फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ 6 फ्रूट्स के बारे में, जिसको यदि आपने जान लिया कि किस समय खाना है तो ही आपके लिए वरदान है, वरना इसके नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि इन विशेष फलों को किस समय पे खाना चाहिए। तो सबसे पहला फ्रूट है अनार। अनार को सुबह खाना चाहिए। सुबह खाने से शरीर में इससे एनर्जी बनती है और रात के समय अनार का सेवन करने से कोई भी फायदा नहीं होता है, उल्टा आपके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है। अनार का जूस का भी यदि सेवन करना है तो सुबह 10 बजे तक आप इसे कर लें। इसके अलावा यदि बात की जाए दूसरे फल की, तो वो है पपीता। पपीते को आप सुबह नाश्ते के बाद और दोपहर को लंच से पहले खा सकते हैं। ये वो फ्रूट है जो आपके डाइजेशन को अच्छा करता है और आपके चेहरे पर ग्लो लाता है। तीसरी चीज है संतरा। संतरे को भूलकर भी पहली बात खाली पेट ना खाएं, इससे एसिडिटी बन सकती है। खाली पेट संतरा खाने से गैस की समस्या होती है। दोपहर करीब 4 बजे के बाद यदि आप संतरा खाते हैं तो ये ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा चौथा फल है अंगूर। खट्टे मीठे अंगूर सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन शरीर में पानी के संतुलन को ठीक करने में भी ये मददगार होते हैं, इसलिए इनको यदि आप खाली पेट खाते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे केले की। केला एक ऐसा फ्रूट है जिसे ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, लेकिन खाली पेट या रात को सोने से पहले केला खाने से पेट में गैस अपच की समस्या होने लगती है, इसलिए कभी भूल कर भी केला सुबह या रात को ना खाएं। दोपहर के लंच के बाद केला खाने से शरीर हमेशा फायदेमंद रहता है। केले में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में उस समय सबसे ज्यादा मददगार होते हैं। और छठा फल है मौसमी। मौसमी को खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और इसको धूप में जाने से पहले और बाहर से आने के बाद खाने चाहिए, क्योंकि ये पानी की कमी को दूर करती है और डिहाइड्रेशन की परेशानी से भी आपको निजात दिलाती है। तो ये वो 6 फल हैं जो बहुत फायदेमंद हैं, सस्ते मिलते हैं और ईजिली अवेलेबल होते हैं, लेकिन यदि हम इनको खाने का सही तरीके से जानकर खाएं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहेगी, वीडियो पसंद आए इसमें तो इसे शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।